नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अवेयरनेस वीडियो बना रहे हैं उसके में मान लीजिए कोई अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उस पर चार चार्ज लगते हैं। मान लीजिए किसी अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर पे चार चार्ज लगते हैं, चार्ज तो समझते होंगे आप, धाराएँ चार लगती हैं। मान लीजिए उसके ऊपर 304 2 IPC लगती है, यानी कि कत्ल वाली, 420 यानी कि उन्होंने धोखा दिया IPC, 201 IPC और 15 ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट लगती है मान लीजिए। और इसके तहत, पहली के तहत मान लीजिए कि उसको जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा जो भी है, या उसको 7 साल की सज़ा होती है मान लीजिए। दूसरी सेक्शन चार्ज की वजह से उसको 5 साल की सज़ा होती है, तीसरे चार्ज की वजह से उसको 3 साल की सज़ा होती है, और चौथे के मुताबिक उसको 1 साल की सज़ा होती है। अब इस बंदे को अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, क्योंकि हमारा प्रोफेशन मेडिकल लाइन से है, हम दूसरी चीज़ों की बात नहीं करते, हम मेडिकल लाइन में ही बात करते हैं कि वो अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहे शहर का है गाँव का है, तो उसके ऊपर चार धाराएँ लग गई और जो जजमेंट आई उसमें उसकी ये इम्प्रिजनमेंट लिखी हुई थी। अगर उसकी जजमेंट में कनकरेंट लिखा है तो इसका मतलब है कि उसकी जो सजाएं हैं वो इकट्ठी चलेंगी, यानी कि 7 5 3 1। कहने का मतलब ये बंदा अगर कनकरेंट रहा, कनकरेंट का मतलब है कि उसकी जो लंबी सजा है 7 साल, उसको टोटल सजा 7 साल होगी। 5 साल वाली इसी के साथ चलेगी ये वाली जुर्म की, 3 साल वाली इसी के साथ चलेगी और 1 साल वाली भी इसी की चलेगी, तो इसको टोटल 7 साल जेल में बिताने होंगे। अगर लिखा हुआ है कंजेक्टिव, कंजेक्टिव का मतलब है एक के बाद एक, 7 साल पहले सजा भोगेगा इस चार्ज के लिए, फिर जब 7 साल कंप्लीट होगा 5 साल भोगेगा, फिर जब 12 साल पूरे हुए फिर 3 साल, और फिर ये पूरा हुआ तो इस चार्ज के लिए हुआ नहीं है। तो इसका मतलब इस बंदे को अगर कंजेक्यूटिव लिखा है कंजेक्टिव, तो 12, 3, 15, 1, 16 साल जेल में बताने हो। इसका मतलब माननीय जज पे डिपेंड करता है कि वो कंकरेंट लिखते हैं कि कंजेक्टिव सेंटेंस लिखते हैं। अगर उन्होंने ये भी नहीं लिखा और ये भी नहीं लिखा, तो फिर इसका मतलब कुछ नहीं लिखा तो कंजेक्टिव ही होगा। तो याद रखिए, क्योंकि जब तक हम कानून का डर मन में नहीं डालते, तब तक सामने वाला तो शेर हो जाएगा। कानून किसके लिए है? हम सभी के लिए है, क्योंकि हम एनिमल बन जाते हैं, हम जंतु बन जाते हैं। कानून और सजा हमें रिफॉर्म सुधारने के लिए है, ताकि हम जो गलती करें उसके लिए हम सुधर जाएं, ना कि हम फिर क्रिमिनल बन के उठें। तो ये चीज़ याद रखिए। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।